ये चार है? 4 लाख। तुम घूमने आते हो इधर? हाँ, मुंबई से इधर आए थे घूमने। हाँ, एंड केदार की खुशी आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टेंट सिटी 1 नर्मदा गुजरात। टुडे इज द लास्ट डे, वी आर हेडिंग बैक टू द मुंबई। आने से पहले ब्रेकफास्ट के लिए होस्ट किया गया है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अंकलेश्वर के लिए। वहाँ पे भी एक ब्रेकफास्ट के लिए होस्ट करने वाले हैं एक फ्रेंड। हम लोग मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। सुबह सुबह यहाँ का वेदर जो था वो बहुत ही प्लेजेंट था, उसका मैंने वीडियो निकाला है, तो ये कुछ आपके स्क्रीन पे रहा। इट्स टाइम टू सी दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एक बार देखेंगे, आपको अच्छा खासा एक टूर देने की कोशिश रहेगी। तो अभी निकलना है फटाफट, पहले गियर अप कर लेते हैं एंड देन आपसे मिलता हूँ। और राइट गाइस, सो टेंट सिटी में हम आए थे, तो नगीन भाई है हमारे साथ। सो नगीन भाई हमें पूरा टेंट सिटी का एक चक्कर लगाएंगे एंड दिखाएंगे कि कैसा टेंट सिटी है। सो टेंट सिटी के सीन्स कुछ ये रहे। सो टेंट सिटी को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत ही अच्छी खासी खातिरदारी यहाँ पे हुई है एंड बाय बाय टेंट सिटी, फिर मिलेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बाय बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी करने का वक्त आ चुका है एंड वंस अगेन बहुत ही अच्छा खासा स्टैचू बनाया है एंड अपनी इंडिया की शान है भाई, एंड वर्ल्ड में नंबर 1 स्टैचू है। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। जैसे बाहर के स्टैचूज प्रमोट किए जाते हैं, हमें भी अपना ये इंडिया की जो शान है उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा अंदर का। कल हम लोग ने अंदर विज़िट किया था, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। एंड भाई साहब, बहुत ही अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस आ जाता है। दो मिनट में आप कम से कम 45 फ्लोर पे जाते हो। वर्ल्ड फास्टेस्ट लिफ्ट है अंदर एंड वर्ल्ड बिग स्टैचू। वंस अगेन हैंड्स ऑफ एंड अगेन लास्ट टाइम हमारे गोप्रो से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन देते हुए। एंड एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए अपने पब्लिक को। और ये अच्छे खासे सब वर्ल्ड वाइड जितने अपने कंट्रीज है, तो हर कंट्री के फ्लैग्स लगाए गए हैं। दैट इज़ ऑल्सो द गुड वन। एंड वंस अगेन बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छी राइड भी हो गई हमारी। एंड यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लिक करेंगे अच्छे खासे एंड देन वी आर गोइंग बैक टू द मुंबई। ये 313 BMW। ये 4 लाख। तुम घूमने आते हो इधर? हाँ, मुंबई से इधर आए थे घूमने। हाँ, वो ये झाड़ू वाला क्या क्यों लगाते है? शो के लिए क्या? भाई साहब, जहाँ भी जाओ बंदे लोग पूछते हैं कि कितने की बाइक है, कितना एवरेज देती है। अभी भी हम लोग जब भी टेंट सिटी में थे, बहुत सारी पब्लिक ने फ़ोटो निकाले बाइक के साथ खड़े होके एंड पूछा हम लोग को कि बाइक की कॉस्ट क्या है एंड कितने का एवरेज आता है, आप कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें। अभी भी हम पेट्रोल भरा रहे थे तो सेम चीज़ जो टेम्पो ड्राइवर्स होते उनमें से 2-3 जन आए और उन्होंने पूछा कि बाइक की कॉस्ट कितनी है एंड एवरेज एंड ऑल द थिंग्स। बहुत अच्छा लगता है टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड उन्होंने
अच्छा हमें एक सजेशन दिया कि ये रोड पे ज़्यादा भगाइएगा मत, क्योंकि ये रोड के बीच वाले जो कुछ कुछ पैचेस है वो बहुत ही ख़राब है। एंड उन्होंने हमें और भी बताया कि कुछ कुछ जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं समटाइम्स दे ड्रंक, एंड जो बॉटल होती है वो भी कभी कभी रोड पे फूडी हुई होती है, तो थोड़ा धीमे धीमे चलाइएगा। और राइट गाइस, सो ब्रेकफास्ट जो होस्ट किया गया था अंकलेश्वर में वो हो चुका है, एंड उसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ये रहे। और राइट गाइस, सो वी जस्ट रीच नवसारी, एंड नवसारी का ये टोल प्लाजा है बैक एंड साइड में, एंड बहुत गर्मी है सो रेडबुल ब्रेक चल रहा है, एंड बॉयज आर ऑल्सो हियर। एंड ये पैच अच्छा खासा हम लोग ने क्रॉस की, हेलमेट की वजह से पूरे बाल भी बिखरे पड़े, सो होपफुली ऐसा ही खाली पैच हमें आगे भी मिल जाए। सो मे बी अराउंड 5 or 6 o'clock वी आर गोइंग टू रीच इन मुंबई, सो देखते हैं आगे अभी खाली पैच मिलेगा उस हिसाब से राइडिंग करेंगे। सो मिलता हूँ आपको डायरेक्टली ऑन अ बाइक। और राइट गाइस, सो अभी आपने देखे थे एक नंबर शॉट्स, एंड अभी होंगे दो नंबर शॉट्स क्योंकि ट्राइपॉड पे अपना कैमरा लग चुका है। एंड वी आर गोइंग टू एंटर द महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र चेक पोस्ट 200 मीटर पे है यहाँ पे, एंड हम अपने घर पे वंस अगेन। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन नहीं हुए, हार्डली 3 दिन हुए, मगर ऐसे ही लगा बोल दे बहुत दिनों के बाद रिटर्न आने का मज़ा ही कुछ अलग है, एंड अलग सी फीलिंग एंड अलग सा हैप्पीनेस चेहरे पे है, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज अबाउट द गुजरात, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब लेके जा रहे हैं हम हमारे दिल में एंड हमारे कैमरे में, एंड जब तक हम जिंदा है तब तक वो हमारे मन में वैसे ही रहेंगे। एंड केदार की खुशी आप देख सकते हो। और राइट गाइस, सो रीच होम, अपनी बिल्डिंग सामने ही है, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत नया लर्निंग एक्सपीरियंस भी हुआ इस पूरे राइड्स में, एंड फ्यूचर में और भी ऐसे लॉन्ग राइड आपको देखने मिलेगा ऑन दिस चैनल। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी, एंड इस वीडियो, ये वीडियो यहाँ एंड नहीं करेंगे, ये वीडियो अपने स्टाइल में एंड करेंगे। सो ट्रांजिशन इन 3, 2, 1। और राइट गाइस, सो वी जस्ट क्रॉस महाराष्ट्र बॉर्डर, एंड जाने से पहले एक छोटा सा मिनी सा एक स्नैक्स पार्टी हो जाए। सो बॉयज़ आर हियर, सो हर एक को एक बार पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी का। सो निवेश इज़ विद अस, सो निवेश आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आया, फाइनली मेरी एक विश लिस्ट थी उसमें एक ऐड ऑन हो गया कि विश हो गया मेरा, विश लिस्ट का एक राइड मेरा कंप्लीट हो गया और आगे बहुत सारी राइड करनी है, देखते हैं। एंड वी हैव अ केदार विद अस, सो केदार का भी हम लोग पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो केदार हाय, वंडरफुल एक्सपीरियंस, रोड काफ़ी अच्छा है, अगर इफ यू आर नॉट बीन टू स्टैचू ऑफ यूनिटी यू शुड गो, अवॉइड वीकेंड्स प्रेफरेबली अगर हो सके तो, अदरवाइज ऑसम टाइम एंड बेस्ट टाइम टू विजिट आई थिंक इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठंडी रहती है, अदरवाइज विल बी लॉट ऑफ हीट, एंड सो लेट्स सी, होपिंग टू गो फॉर मोर राइड्स, सो सी यू सून। एंड जयेश भी अपने साथ है, सो जयेश आपका एक्सपीरियंस शेयर। हाय गाइस, राइड तो मस्त रही एंड एंजॉयड द वेदर, अच्छा वेदर था वहाँ पे, ठंडी में देखने में मज़ा आया, और स्टैचू ऑफ यूनिटी तो क्लासिक एक्सपीरियंस था, एवरीवन शुड गो एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस, थैंक्स। सो
बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस आया है एंड आगे भी और सारी राइड का प्लानिंग हम लोग का चल रहा है, सो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा. सो इफ़ यू एंजॉय ऑल दिस सीरीज, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना. एंड विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा. Be happy and be positive and मिलेंगे next इसी किसी वीडियो में. तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, मिलेंगे next वीडियो में. Bye bye. मैं चला रहे थे. हाँ ये पैच अच्छा खासा हम लोग ने क्रॉस कर दिया है एंड